बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम मुतंजन बनाने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार और ट्रेडिशनल डिश है और बड़े और बच्चे सब इसको बहुत लाइक करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। 2 टेबल स्पून बादाम लेके हमने उनका छिलका उतार लिया है और 2 टेबल स्पून हमारे पास खुश्क नारियल है जो हमने कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून पिस्ता है, 3 छोटी इलायची के दाने हैं, 1 टेबल स्पून क्योड़ा है, 2 टेबल स्पून हमने ग्रीन और रेड कलर का मुरब्बा ले लिया है, 2 टेबल स्पून हमारे पास काजू हैं और रसगुल्ले सफ़ेद और पिंक कलर के, और साथ में गुलाब जामुन है हमारे पास। फूड कलर्स हैं, चीनी है और 300 ग्राम हमने चावल लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चावलों में हम खुला पानी डाल के उनको आधी कनी रख कर बॉयल कर लेंगे। चावल इसके लिए जो आप यूज़ करेंगे वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जब तक चावल बॉयल होते हैं हम साथ में नट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 1/2 कप हमने ऑयल ले लिया है और इसमें हम बादाम डाल देंगे। साथ में हम कटा हुआ खुश्क नारियल ऐड कर देंगे। अनसॉल्टेड पिस्ता है हमारे पास, वो डाल देंगे और काजू हैं वो ऐड कर देंगे। इन सब को ऑयल में जस्ट आपने 1 से 2 मिनट तक हल्का सा फ्राई करके निकाल लेना है। नट्स को हमने फ्राई कर लिया है और इनको अब एक बाउल में हम निकाल रहे हैं। सारे नट्स को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम उसी ऑयल में छोटी इलायची डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ में हम चीनी की शीरा तैयार कर लेंगे और उसमें चीनी जो आपने मैयर करके रखी हुई है वो ऐड कर दें। चीनी जी आपने जिस भी बर्तन से चावल मैयर किए हैं, जो भी कप या ग्लास आपने यूज़ किया है, उसी से आपने चीनी मैयर करनी है। और जितनी मिकदार में चावल हैं उतनी ही मिकदार में आपने चीनी ले लेनी है। चीनी ऐड करने के बाद इसमें 3/4 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया है और अब हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और चीनी का शीरा तैयार कर लेंगे चावलों के लिए। साथ में थोड़ा सा चमचा हिलाते जाएं ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। ये देखिए, ये चीनी सारी डिसॉल्व हो गई है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि जो शीरा है वो अच्छी तरह से पक जाए। और साथ में ये राइस को भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, चावलों में बॉयल आ रहा है और ऑलमोस्ट ये पकने के करीब हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें चावलों का दाना जो है वो तकरीबन हाफ जो है वो गल गया हुआ है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। और ये देखें, चावलों का पानी ड्रेन कर लिया है। अब हम चीनी का शीरा भी चेक कर लेते हैं। और ये देखें, हमारा चीनी का शीरा भी तैयार हो गया है। इसका आप किस तरह से चेक करेंगे कि जब आप चमचे को उठा के नीचे ऐसे पोर करेंगे तो ऐसे मोती से बन के गिरने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं चमचे की सरफेस से, तो तब आपको पता चल जाएगा कि जो शीरा है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। और शीरे में चावलों को हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, हत्ता के जो पानी है चावलों में वो खुश्क होने के करीब हो जाएगा। चावलों को अब हल्के हाथ के साथ आप शीरे में मिक्स कर लें।
क्योड़ा भी चावलों में ऐड कर दें और इसको मिक्स कर दें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है मुतंजन में, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, अब हम इसमें फूड कलर्स डाल देंगे। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दें एक साइड पे, थोड़ा सा रेड फूड कलर हम डाल देंगे एक कॉर्नर पे, और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर हम एक साइड पे डाल देंगे। फिर हम इसमें जो हमारे पास मुरब्बे थे सारे वो हम ऐड कर देंगे, जो हमने नट्स फ्राई करके रखे थे वो ऊपर डाल देंगे। और ये जो हमारे पास वाइट और पिंक रसगुल्ले और गुलाब जामुन हैं ये ऊपर रख देंगे, और इसको 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हम दम पे लगा देंगे। और ये 10 मिनट के बाद हमने दम खोला है, चावल हमारे बहुत ही अच्छे पककर तैयार हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इनको डिश में सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो ये मुतंजन की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार ये डिश बनती है, और सब इसको बहुत लाइक करते हैं। आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।